अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बैंगन की भुर्ते की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही सिंपल सी लेकिन बहुत मज़ेदार रेसिपी है। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स से तैयार होती है और बहुत कम टाइम में भी तैयार होती है। इसका टेस्ट बहुत स्मोकी सा डिफरेंट सा होता है। चलें इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैंगन के भुर्ते के लिए ले लिए हैं मैंने सबसे पहले बैंगन। ये 3 बैंगन हैं, गोल वाले बैंगन हैं, तकरीबन 250 ग्राम के बराबर हैं, यानी 1 पाव के बराबर हैं। 2 मैंने दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए हैं और लहसुन के जवे लिए हैं मैंने 4 से 5 अदद। ये थोड़े बड़े साइज़ के थे तो इन्हें मैंने बीच में से कट कर लिया था। सबसे पहले मैं करूँगी ये कि बैंगन में मैं लगाऊंगी डीप कट्स। 3 से 4 कट हर बैंगन में मैं लगा लूँगी और उसको अच्छी तरह से अंदर से चेक कर लूँगी कि इसमें कीड़ा वगैरह तो नहीं है, क्योंकि अक्सर बैंगन में कीड़ा होता है, तो ये हम चेक कर लें पहले तो बेहतर रहता है। ये कट लगाने का मकसद ये है कि इसमें आराम से हम लहसुन भी फिल कर देंगे, वो भी अच्छी तरह स्टीम हो जाएंगे और आराम से ये बैंगन हैंडल भी होंगे, इनका छिलका इजीली उतर जाएगा। तमाम बैंगनों को मैं कट लगाने के बाद इसके बाद करूँगी ये कि ये लहसुन लेके लहसुन को मैं इसमें फिल कर दूँगी। इन्हीं कट्स के अंदर मैं लहसुन के जवे डाल दूँगी। अगर आप इन तमाम चीज़ों के साथ हरी मिर्च को भी स्टीम करना चाहें तो कर लें, लेकिन मैं फ्रेश डालना ही प्रेफर करती हूँ। मुझे हरी मिर्च का फ्रेश सा टेस्ट अच्छा लगता है, इसलिए मैं एंड में ऐड करूँगी। तमाम बैंगन को इस तरह से मैं फिल करके फिर इसे मैं हल्की आंच पर स्टीम कर दूंगी। बैंगन और टमाटर को आग पर सेकने से पहले मैं इस पर हल्का सा ऑयल अप्लाई करूंगी। ये नॉर्मल कुकिंग ऑयल है, मैं हाथ से लगा रही हूँ, आप ब्रश वगैरह से भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में इस पर ये ऑयल लगाना है। ये ऑयल लगाने का मकसद ये है कि जब हम इसे स्टीम करेंगे, आग पर पकाएंगे, उसके बाद जब हम इसका छिलका उतारेंगे तो ईजिली वो इससे अलग हो जाएगा, इसकी स्किन अलग हो जाएगी टमाटर से और बैंगन से, और हमें मुश्किल नहीं होगी। इसके बाद हमने करना ये है कि हल्की आंच रखनी है। हल्की आंच पर ही हमने इस बैंगन को सेकना है और टमाटर को भी इसी तरह से सेक लेना है और इसकी साइडें चेंज करते रहना है। मैंने फॉर्क की मदद से इसको किया था हैंडल। अगर आपके पास कोई ग्रिल वगैरह है, कोई जाली है, तो आप उस पर भी रख के टमाटर और बैंगन को सेक सकते हैं। जब ये हर तरफ से पक जाएंगे और इनकी स्किन तकरीबन ब्लैक सी हो जाएगी तो हम इन्हें आग से हटा लेंगे और ठंडा करने के बाद हाथों की मदद से इनका छिलका उतार लेंगे। बहुत ईजिली ये छिलका अलग हो जाता है। इसके बाद इन सबको छीलने के बाद हम एक प्लेट वगैरह में रखकर इसे मैश कर लेंगे। ये तमाम चीज़ें स्टीम करने में ही अच्छी खासी गल गई हैं, अंदर तक ये तकरीबन पक गई हैं और इसमें बहुत अच्छा सा खुशबूदार सा स्मोकी फ्लेवर आ गया है, जो इसकी एक स्पेशलिटी है बैंगन के भुर्ते की, क्योंकि इसकी वजह से ही इसका टेस्ट दूसरे बैंगन से डिफरेंट हो जाता है, दूसरी रेसिपीज से। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। मैं फॉर्क की मदद से इसे मैश कर रही हूँ, आप चाहें तो पोटैटो मैशर वगैरह से भी इसे मैश कर सकते हैं। नॉर्मली ये फॉर्क से आराम से हो जाएगा। लहसुन भी अच्छी तरह से गल गए थे, टमाटर भी, और इजीली ये हो गए हैं बिल्कुल मैश, घुल से गए हैं ये। अब एक बॉल में मैं तमाम स्पाइसेस ऐड करूँगी। सबसे पहले मैंने ले लिया है नमक हस्बे जायका, सुरख मिर्च का पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ही मैंने ले लिया है सूखे धनिया का पाउडर। इसके अलावा मैंने पिसा हुआ गर्म मसाला लिया है 1/2 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को अलग रख के मैंने ले लिया है 1/4 कप के बराबर ऑयल और उसमें ऐड कर दिया है 1 टीस्पून के बराबर साबुत ज़ीरा। मैं साबुत ज़ीरा यूज़ कर रही हूँ, मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है। अगर आप ज़ीरे का पाउडर यूज़ करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तमाम स्पाइसेस में ज़ीरे का पाउडर भी ऐड कर दें 1 टीस्पून के बराबर। अब ज़ीरा इसमें मैंने तड़काना है ऑयल में, इसकी खुशबू आने लग गई तो इसमें मैंने ऐड कर दी थी 1 प्याज़। एक बड़े साइज़ की इसमें प्याज मैंने ऐड की है, मोटी मोटी कटी हुई है। इस प्याज को मैं मुसलसल चम्मच चलाते रहूँगी और ब्राउन कर लूँगी। जब इसका कलर चेंज होने लगेगा, मींस कि टोटली गोल्डन ब्राउन सी होगी, इसके बाद में इसमें बाकी तमाम चीज़ें ऐड करूँगी। मसाले वगैरह इसमें मैं ऐड कर दूँगी। 3 से 4 मिनट में ये प्याज अच्छे से हो गई थी, इसने कलर चेंज करना शुरू कर दिया था, यानी हल्की हल्की गोल्डन होने लगी, तो मैंने इसमें बाकी मसाले ऐड कर दिए। अब मैंने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दी थी और इसके बाद इसमें मैंने ऐड की हैं तमाम ड्राई स्पाइसेस, और ड्राई स्पाइसेस ऐड करके मैं इसमें फ़ौरन चम्मच चला दूंगी, नहीं तो ये मसाले जल से जाएंगे। और थोड़ी ही देर में, चंद सेकंड के बाद, इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। मैंने इसमें ऐड किया है 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर पानी, और पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। ये इस भुनाई में ही अच्छी तरह से मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। इन मसालों को हमने इतना ही भूनना है कि इसका ऑयल अलग हो जाए और पानी इसमें बिल्कुल ड्राई हो जाए। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मैश किए हुए बैंगन वगैरह, बैंगन, टमाटर और लहसुन जो हमने मैश किए थे वो इसमें मैं ऐड करूँगी। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद मैं इसकी भुनाई करूँगी। इसकी टोटल कुकिंग भुनाई में ही होनी है। जो इसमें थोड़ा सा सब्जियों में कच्चापन रह गया है वो भूनने में ख़त्म हो जाएगा और ये बिल्कुल एक जान सी हो जाएंगी। भुर्ता हमारा बेहतरीन सा रेडी हो जाएगा। हम इसे जितना अच्छा भूनेंगे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट उभर के आएगा। इसके बाद इसका ऑयल अलग हो गया है, ये अच्छी तरह से भुन गए हैं बैंगन। इसमें मैंने ऐड कर दी है हरी मिर्चें 2, अगर आप हरी मिर्च ज़्यादा ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून के बराबर मक्खन। इससे काफ़ी अच्छा सा मक्खन का इसमें टेस्ट आता है। मक्खन ऐड करने के बाद इसे मैं दोबारा अच्छे से मिक्स करके ड्राई कर लूँगी। जब मक्खन का जो इसमें मॉइस्चर आया है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और इसका ऑयल अच्छे से अलग हो जाएगा तो हम चूल्हा बंद करके इसे 3 से 4 मिनट के लिए इस तरह से छोड़ देंगे दम पर, और इसके बाद हम इसे सर्व कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा बैंगन का भुर्ता तैयार है। स्मोकी सी इसकी खुशबू है, बहुत मज़ेदार है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।